पता चल चुका है कि ब्लडलाइन का पांचवा मेंबर कौन है? एक नहीं बल्कि दो दो सुपर स्टार अपना डेब्यू करने वाले इसी ये वॉर गेम में। तो गाइस एग्जैक्टली सर्वाइवर सीरीज का एंडिंग किस तरीके से होने वाला है, चलो मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ। अच्छा, ऐसा कि आपको पता ही है कि हमें रोमन रिंग्स और शोलो के ब्लडलाइन के बीच एक डेंजरस फाइट देखने को मिलने वाला है। और पता है WWE अभी से ट्विस्ट एंड टर्न्स प्लानिंग की है कि क्या क्या इस मैच में होगा और कौन कौन डेब्यू करेगा। तो सबसे पहले एक हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपर स्टार यानी कि दिरॉक का नाम आया है। ये बताया गया है कि कोई मैच होगा ना तो उसी के मिड में हमें दिरॉक दिखने वाले हैं। और शायद आपको भी ये बात पता होगा कि हमें बैड ब्लड 2024 में भी दिरॉक का एंट्री देखने को मिला था, वो भी सरप्राइज वाला। और उसके बाद दिरॉक एक बार भी बैड ब्लड के बाद नहीं दिखे है WWE में। तो गाइस डेफिनेटली 110% ऐसा होगा कि सर्वाइवर सीरीज में जो मैच होगा ना रोमन और शोलो के ब्लडलाइन के बीच, तो उन्हीं के फाइट के बीच में हमें दिरॉक दिखने वाले। और दिरॉक आएंगे ना, पता है उसके बाद क्या होगा कि फाइनली हमें पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया 41 में दिरॉक किसके साथ फाइट करने वाले हैं। पता नहीं गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिरॉक रोमन रेंस को भी धोखा देने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में ही। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक सुपर स्टार के बारे में, बोला जा रहा है कि लॉस एनॉय अपना डेब्यू करने वाले हैं, वो भी इसी ईयर। और गाइस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्होंने बहुत पहले ही WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। और एनॉय टाइटल है उनका तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ब्लडलाइन के ही मेंबर है। तो आपको एक बात पता है ना, 4 vs 4 नहीं बल्कि 5 vs 5 ब्लडलाइन के बीच फाइट होने वाला है। सभी के मन में था ना कि ये पांचवा मेंबर कौन होने वाला है। तो गाइस ये हो सकता है कि लॉस एनॉय शोलो शिकोवा बंदर के ब्लडलाइन को ज्वाइन करने वाले हैं, तब उनका पूरा ब्लडलाइन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन के बारे में। तो गाइस फाइनली पॉल हेमन सर्वाइवर सीरीज में अपना एंट्री करने वाले हैं। मेरे को तो काफी टाइम से वेट था कि पॉल हेमन कब अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो देखो ये कंफर्म हो चुका है कि सर्वाइवर सीरीज में पॉल हेमन अपना रिटर्न करने वाले हैं। अगर मैं पॉल हेमन का लास्ट अपीयरेंस बताऊं तो पॉल हेमन लास्ट टाइम हमें जून के टाइम में देखने को मिले थे। और गाइस देखना, जब पॉल हेमन अपना रिटर्न करेंगे ना तो रोमन रेंस मैच जीत जाएंगे। मैं तो अब बिल्कुल भी अपने पांडा को हारता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो चाहती हूँ एट एनी कॉस्ट रोमन रेंस को ही जीतना चाहिए ये वाला मैच। पता है ये बात मुझे भी लगता है कि पॉल हेमन एकदम गुड लक है रोमन रेंस के लिए, क्योंकि देखो ना जब से पॉल हेमन नहीं है रोमन रेंस के साथ तब से रोमन रेंस के साथ काफी बुरा ही हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट सुपरस्टार के बारे में, वो कोई नहीं है बल्कि हिकुलियो है। और हिकुलियो डेफिनेटली इस बार के सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यू करने वाले हैं। आपको पता है हिकुलियो कौन है? वो हाकू रेसलर के बेटे हैं। और हमें थोड़े टाइम पहले ही देखने को मिला था कि वो WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे। काफी टाइम पहले ही वो WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, बट अभी तक उनका डेब्यू हुआ नहीं है। तो मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि इसी ईयर सर्वाइवर सीरीज 2024 में ही इनका डेब्यू होगा। और हिकुलियो आएंगे ना तो वो 100% रोमन के ब्लडलाइन को ही ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस और हिकुलियो के बीच पहले भी बातचीत हो चुका है। तो ऐसा डेफिनेटली होगा कि वो रोमन के ही ब्लडलाइन को ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे गाइस सोचो ना, दो दो सुपरस्टार एक साथ आएंगे सर्वाइवर सीरीज में तो कितना मजा आ जाएगा ना देखने में। वैसे मैं तो अपना ओपिनियन दे दी, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से एंडिंग होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।